दिखा रही हो। मैंने स्कूल के लिए बोला स्कूल डिटी होनी चाहिए और मैंने क्या बोला? क्या किया मैंने गलत? तूने मुझे बोला क्या किया मैंने गलत? कैसे मैंने किया फोन? मैं मुकर्रा नहीं हूँ। मैंने किया स्कूल बंद था तो तू क्या बाबा यहाँ क्यों दादा थोड़ी बनाओ? मैंने कोई बात स्कूल बंद था आप डिप्टी दो। मेरा मुद्दा टीचर से आपसे नहीं है। क्यों बनाओ आप डिप्टी दो ना टाइम से और इधर आके हमला कर रहे हो आप? हमला कर रहे हो मेरे बाप का है हम गांव वालों का। चलो चलो इसी चप्पल का मैं दिखाऊंगा। चलो ठीक है माता आप मेरे स्कूल में जो बच्चे हैं बच्चों का नहीं होता नहीं मेरे स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स कुछ नहीं बोले। ये कौन दादा आए थे बोलने वाला? ये अपने को समझता क्या? मैं चप्पल बोलूंगी ना वो हालत इसकी करूंगी। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला एक दुकानदार के साथ बहस कर रही है। बहस लंबी चौड़ी है और पूरी बहस में दुकानदार लगातार एक ही बात कह रहा है कि मैंने सीओ साहब को शिकायत की है, मैंने सीओ साहब को कहा है कि आप वक्त पर स्कूल नहीं आते, मैंने स्कूल की बात की है, स्कूल की बात के अलावा मैंने और कोई बात नहीं की। ठीक है टीचर से आपसे नहीं है, टीचर के लिए बोला मैंने। सीओ को भी मैं बुलाऊंगा कल, आएगा सीओ भी। मैंने बदतमीजी नहीं किया मैम, आपने बोला जूते मुझे मारना, जूते आप जूते मारे उसको जाके किसी को आगे मारोगे ना अपने बाप की औलाद ही नहीं होगा मैं। तू मुझे सुन मुझे मारना जूते। मेरे स्कूल में दूसरा टीचर नहीं है, तेरी बहन ही है ना? क्या तुझे बहन है जम्मू में? मुझे है जम्मू। क्या है उसका? वो अगर किसी का गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगी पूरी डिप्टी देगी। हाँ हम ले सकते हैं, हमारा स्कूल है यह गाँव बलू का, हमारा स्कूल है हम ड्यूटी ले सकते हैं सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक वहाँ पे। हाँ सकते हैं उनको रहने दो, उनसे नहीं होता है हम बोलेंगे शांति मन पे। किसके मेरे बच्चे अभी है ही नहीं, मेरा स्कूल है मैं इसी में इसी वार्ड में आता हूँ, कल मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे। हाँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है आपको बोलो? इधर आयो ना, आप सीओ को करता हूँ मैं करता हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम? आपका पति मुझे मारने के लिए आया मेरी दुकान पे मेरे घर में, इधर इतना लोग शहादत है, इधर ये टीचर भी है, ये टीचर भी है। रुको ना मैं बताऊंगा ना, अगर मैं नहीं बताऊंगा ये टीचर भी है। मैंने अगर कोई बदतमीजी की आपसे इधर इतना मैं ये बता रहा ये बताएगा मैम दुपट्टा और ये बताएगा, इतने बंदे बताएंगे, इतने बंदे बैठे हैं, इतने बंदे हैं, ये चप्पल भी देख लूंगा, ये चप्पल भी देखोगे, इतने बंदे हैं इधर बंदे हैं इतने। हाँ कौन सा दुपट्टा खींचा मैंने आपका? कौन सा दुपट्टा? हाँ मारोगे? हाँ उल्लू का पट्टा। अच्छा का आप टाइम से क्यों नहीं जाते हो? नहीं तू कौन है मुझे पूछा? मैंने आपको नहीं पूछा है, मैंने सीओ को बोला है, मैंने सीओ को बोला, आपको नहीं बोला है, आपको नहीं बोला है मैंने। मैं करूंगा ना, रुको अगर मैं करूंगा आप भी करूंगा फिर उसको सीओ को इधर बुलाऊंगा इधर। क्या आपका एजुकेशन कैसा है? एजुकेशन क्यों मारूंगा जूते क्यों इस चीज का? आपकी भी लड़की है। हाँ क्या देखो क्या करना है? देखो आपका घर नहीं है, दुकान पर हमला किया आपने, आपके पति ने भी किया, उधर से आया इधर मारने मुझे। मैं बताऊंगा रुको, मैं बताऊंगा रुको, मेरे पास प्रूफ है, फुल प्रूफ है। मैंने सीओ को फोन किया, मैंने कोई गलती नहीं किया, मैंने आपको मैंने करना है, मैंने करना है, करना है, मैंने कर सकता हूँ करना। तू पाते बोल, तू पाते बोल ना, तू पाते बोल, एक मिनट बुढ़े नहीं पाते, पाते बोल, चलो पाते पाते, चलो चलो तू पाते, तू साइड बोल, चलो दुकान में चलो चला। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला काफी गुस्से में है, और सिर्फ इतना ही नहीं वीडियो के एक पोर्शन भाग में यह भी देखा जा सकता है कि महिला के साथ कोई एक पुरुष है जो इस दुकानदार को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तू मुझे बस आगे मैम मेरे दुकान के अंदर आप बाहर से बात कर सकते हैं, मेरी प्रॉपर्टी है अपनी, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं तेरी दुकान पे नहीं आ सकता। कैसे आओगे? तू कैसे मैं आपके स्कूल पे आया? तू कैसे मेरे स्कूल के बच्चों को बोलेगा? मैंने नहीं, कल इधर मीटिंग बैठाओ, मेरी गलती निकलेगी मैं सॉरी मानूंगा, ठीक है? सीओ ने कल आता उसको सीओ साहब को भी बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे? ठीक है मगर मुझे सीओ साहब को भी बुलाएंगे, अगर वो मेरी गलती निकालेंगे मैं मानूंगा। बस वो सामने सामने यहाँ पे नाम बोल रहे हैं ना, से सुजीत और रजत। तो मैं मुकरूंगा थोड़ी, मैं बोलूंगा फोन दे, मैं नहीं दूंगा फोन। क्यों नहीं? क्यों दूंगा फोन? मुझे कोई खबर नहीं, मैं फोन नहीं दूंगा, मैं फोन नहीं दूंगा। तू वीडियो जबरदस्ती मत करो, मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, मैं तेरे पापा को बुलाऊंगा। आप बुलाओ 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 बुलाओ, बाहर चलो दुकान से, बाहर चलो, बदतमीज दुकान से बाहर चलो ना, मैं बदतमीज हूँ। सीओ साहब को बुलाओ, तू क्या सीओ साहब को उसके साथ बात करेंगे। मैंने किया बोल, अभी मेरे स्कूल का बच्चा ऊपर से आया, तूने क्या? मैं सब कुछ जवाब दूंगा ना, आप क्यों बनाई? एक मिनट मैंने बोला ना, बात यहाँ पंचायतों को मेंबर है,
मेंबर नहीं हो ना मैं, चलो मेंबर मैं कुछ भी नहीं। तूने कैसी वीडियो बनाई बच्चों की? रुको, मैं वीडियो बनाने वाला कोई, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तू क्यों सीओ? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ऊपर, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऊपर से उतर, कुछ भी नहीं हूँ। ये सीओ को फोन कर, मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं कुछ भी नहीं, फिर तू क्यों बैठा? आप दुकान से बाहर चलो। क्यों जाऊंगी भाई? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बैठे रहो बैठ से। तुम्हें क्यों जाऊंगी? तू अपने आप को समझता क्या? बैठो, हम जितना लिहाज करते हैं तू तो। चलो कोई कोई चक्कर नहीं, कोई लिहाज, बहुत लिहाज। चलो मेंबर, कोई चक्कर नहीं, तोड़ो तोड़ो दान, तोड़ो दान, बोलते चप्पल खोल ना इसके दांत तोड़ देगा। चलो कोई, बदतमीज कहेगा। ठीक है ठीक, तो बड़ा यहाँ पे दादा वाला, बाकी लोग यहाँ पे पागल है? नहीं, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते यहाँ पे? तू क्या ज्यादा बना है इधर? तो वीडियो बना के किसको दिखाई? सीओ बना लेगा ज्यादा, ज्यादा बनता है इधर, बदतमीज कहेगा। तू रुक जा, मैं इसको पापा को रुक जा। तूने सोचा वो कोई हम ऐसे ऐसे है? तो मैंने आपको बोला, आपके पहले स्कूल में आकर बोला, रुकना क्या? ये अपने ससुर को बुलाओ जरा, वो का अंकल का है? रुक जा ना, मैं हम इनका ले आया हम तो। ए कुत्ता बच्चू मैडम, ये तो बे मतलब ले अंदर दुकान में कुछ और बिन को हमरे हम लोग गिरछ, मेको गिरछ में आया, मेको गिरछ में आया। ए लेडी दादा बना छोड़ दुकान में आते तो गुसी गुची, दुकान में गुसी गुची आ अंदर। मैं अभी इस दुकान को छोड़, रुको ना, मैं भी अगर अपने बाप की औलाद नहीं हो ना, अगर दुकान सीए को जूते बोला ना, अब मैं मारना मेरे को जूते। आप लेडीज का दादा तब आप दिखा रही हो। मैंने स्कूल के लिए बोला, स्कूल ड्यूटी होनी चाहिए, और मैंने क्या बोला? क्या किया मैंने गलत? तूने मुझे बोला। उसके बाद इनकी बहसबाजी लंबे वक्त तक चलती है। दुकानदार लगातार रिपीट करता जाता है कि मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, स्कूल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि वक्त पर स्कूल नहीं आते, मैं बात कर रहा हूँ आप वक्त पर स्कूल बंद नहीं करते। ये कुछ शोर हंगामे के बीच में यही सब कुछ सुनाई दे रहा है। आखिरकार इस दुकानदार को क्या जरूरत पड़ी वीडियो बनाने की? और अगर इस महिला को लेकर इस दुकानदार ने कोई शिकायत सीईओ डोडा से की थी, तो क्या इस महिला को सीईओ डोडा से संपर्क करना चाहिए था या शिकायतकर्ता के पास पहुंचकर हंगामा करना चाहिए था? आप इस वीडियो का अंश देखें। बहन की जाके वीडियो बनाओ। क्यों बनाओ? आप डिप्टी दो ना टाइम से, और इधर आके हमला कर रहे हो, हमला कर रहे हो। मेरे बाप का है, हम गांव वालों का। चलो चलो, इसी चप्पल का मैं दिखाऊंगा। चलो ठीक है, चलो ठीक है, कोई कोई चक्कर नहीं, चलो कोई नहीं है, चप्पल आओ इधर। मैम कैमरा लगा, सब कुछ लगा है, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं आपको सब बता नहीं, आप डिप्टी, आपको मैंने बोला कुछ नहीं? आपको क्या बोला मैंने? नहीं, तू सीओ को बाबा क्या? मैंने फोन किया, ड्यूटी नहीं लगी इधर, टाइम से ड्यूटी नहीं, नहीं तेरा कौन सा बच्चा ड्यूटी नहीं है? बच्चा पढ़ेगा नहीं क्या? स्कूल बंद करोगे? नहीं, तू स्कूल बंद करोगे? नहीं, मैं जानूंगी, मैं स्कूल बंद करूंगी। स्कूल बंद करोगे? तू क्या वीडियो बनाएगा? क्या वीडियो? नहीं, तू वीडियो क्या बनाएगा? क्या वीडियो? नहीं, तू मेरी वीडियो बनाएगा, तू क्या वीडियो बनाएगा? वो रुक, हमला अभी मैं इधर बताऊंगा, रुक मैंने किया क्या आपको, ये मुझे बताओ, मुझे बोलो मैंने किया क्या? मोबाइल पहले, मोबाइल, मोबाइल क्या? इधर कैमरा भी लगा हुआ, मोबाइल को छोड़ो यार, मोबाइल मैंने जो किया ना, आप सीओ को, सीओ के साथ बात क्यों किया तूने? मेरे मोबाइल को हाथ नहीं लगाओ दुकान में पूरा। तू मुझे बोल, तू सीओ? मैंने आपको कुछ नहीं, मोबाइल ले ले मेरे, मुंह बंद कर, आप हटो पीछे। तू मुझे बोल, तू कौन है सीओ को फोन करने वाला? मेरे दुकान के माता हो आप? मेरे स्कूल में जो बच्चे हैं, बच्चों का नहीं होता? नहीं, मेरे स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स कुछ नहीं बोले। ये कौन दादा आए थे बोलने वाला? ये अपने को समझता क्या? मैं चप्पल खोलूंगी ना, वो हालत इसकी करूंगी ना, मारो चप्पल से। मैं तेरे बाप का लिहाज करती हूँ, याद रखना। इधर देखो, मैंने बोला दुकान में मत आओ, याद रखना, दुकान में मत आओ। तो अपने आप को समझता क्या? मैंने फोन किया ना सीओ को, किया आपको थोड़ी वीडियो बना के दिखाता है। क्या वीडियो? तू अभी जो बना रहा है, तो आप क्यों आए मेरी दुकान पे? तू मुझे बस, तूने अभी मेरे अपने स्कूल का बच्चा यहाँ भेजा, तूने इसकी वीडियो क्यों बनाई? क्या वीडियो बनाई? दिखा मुझे मोबाइल, मेरे मोबाइल को हाथ नहीं लगाओ ना। नहीं, मैंने बोला जो आपको बात करना मेरे साथ, आप बाहर चलो, मेरे स्कूल का बच्चा अभी यहाँ बाहर चलो, और ये बच्चे की वीडियो बनाता है, चलो ना आप बाहर। मैं बोलूंगा ना मैंने क्यों बनाई, मुझे हाथ, मैंने बोला हाथ मत लगाओ। मैं तुझे पता है, मैंने बोला ना बाहर चलो, मैं उस फैमिली से बाहर चलो। मैंने गलत नहीं बोला, क्यों है भाई? आप बाहर चलो, मैं क्यों जाऊँ? दुकान से बाहर जाओ। क्यों जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। चलो बैठो, क्या करेगा? मैं नहीं करूंगा कुछ, मैं तेरे बाप का लिहाज करती हूँ। चलो बैठो, बैठो मैम, कोई दिक्कत नहीं, 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 बैठो। बैठो, बैठो, कोई कोई बात नहीं, बैठो आप यहाँ पे, लोग झूठ दो के यहाँ फ्लास, कोई कोई नहीं, कोई नहीं फ्लास, कोई नहीं।
कोई कोई नहीं। तो वीडियो क्या बनाएगा? मुझे फोन तो मैंने बोला ना, आप पीछे फोन नहीं लो, मेरा फोन नहीं ले सकते आप। फोन दे मैम, देखो तूने मेरी वीडियो डिलीट कर, मेरा फोन नहीं ले सकते, आप फोन नहीं ले सकते, मेरी वीडियो डिलीट कर। तो मैं जी दुकान में क्या, मेरी अच्छी गलती नहीं, तूने क्या, महिला का चेहरा हमने ब्लर किया हुआ है। उसका कारण यह है कि राइट टू प्राइवेसी हर एक शख्स को है। आप किसी भी शख्स का वीडियो किसी भी समय जब आपका मन चाहे तब नहीं बना सकते, इसकी इजाजत आपको नहीं है। आप किसी सरकारी दफ्तर के अंदर घुसते हैं और बिना सरकारी अफसर को कुछ कहे आप फौरन अपना कैमरा खोलते हैं और उसको अपने वीडियो में कैद करना शुरू करते हैं। कौन सा कानून आपको इस चीज़ की इजाजत देता है? क्या आप जानते हैं कि आप एक सरकारी मुलाजिम के काम में मुदाखलत करते हैं जब आप अपना कैमरा, सोशल मीडिया ने आपको ताकत जरूर दी है कि आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकें, लेकिन सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना या सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने जाति झगड़ों को खत्म करने के लिए या जाति झगड़ों को निपटाने के लिए आप करें, वो गलत है। मैं इस मामले की बात नहीं कर रहा, इस मामले में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला जो है दुकानदार के साथ जबरदस्त गुस्से में बात कर रही है और उसको ये भी कहती है कि मैं आपको जूते से मारूंगी। ये सब कुछ इस महिला को नहीं कहना चाहिए था, या हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक वो प्राइमरी स्कूल थनोत भागवा की टीचर हैं। मेरे पास उनका नाम भी है लेकिन नाम गोपनीय फिलहाल के लिए रखा जाएगा, क्योंकि जब तक पूरे मामले की पड़ताल सीईओ ऑफिस डोडा नहीं करता, जब तक पूरे मामले की पड़ताल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा नहीं करती और दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता, तब तक इस महिला का नाम या इसका चेहरा दिखाना सही नहीं है। वो हम वही कर रहे हैं, लेकिन आप तक ये वीडियो पहुंचाना जरूरी है क्योंकि इस वीडियो के जरिए एक बात तो साफ समझ में आती है कि सरकारी मुलाजिमों को अच्छा नहीं लगता कि उनकी शिकायत कोई बड़े अफसरों से करे और उनको ये कहे कि जनाब ये वक्त पर स्कूल नहीं आते या ये वक्त पर स्कूल बंद नहीं करते। किसी सरकारी बाबू को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। और दूसरा, मान लीजिए शिकायतकर्ता की शिकायत गलत है तो भी आपको कोई इजाज़त नहीं है कि आप सड़क पर उतरकर हुड़दुंग करें, आप सड़क पर उतरकर धमकी दें, आप सड़क पर उतरकर अपनी धौंस बताएं, आप सड़क पर उतरकर मारने पीटने की कोशिश करें। इस चीज़ की इजाज़त कानून आपको कतई नहीं देता। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि क्या कुछ हो रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों जरूरी है हर सरकारी मुलाजिम के लिए संयम रखना और क्यों सरकारी मुलाजिम को ये इंश्योर करना है कि वो जब सरकारी मुलाजमत के लिए कहीं पर भी जाए वहां पर इस तरह का व्यवहार न करे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स इसकी इजाजत नहीं देते। सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स के तहत आप ये कर ही नहीं सकते, शिकायतकर्ता के पास आप जा ही नहीं सकते, शिकायतकर्ता के साथ आप उसको धमकी दे ही नहीं सकते, इसकी इजाजत आपको नहीं है। आपकी शिकायत अगर सीईओ ऑफिस डोडा में हुई थी तो आपको सीईओ ऑफिस डोडा के साथ संपर्क करना चाहिए था, अपनी साइड सीईओ ऑफिस डोडा के सामने रखनी चाहिए थी, जो गवाह आपके साथ हैं उनको सीईओ ऑफिस डोडा के सामने पेश करना चाहिए था। लेकिन जब आप डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं, अपनी ताकत और अपना रुतबा बताते हैं या ये बताते हैं कि आप कितने खतरनाक हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ छुपाना चाहते हैं, आप डर गए हैं, घबरा गए हैं, और डर और घबराहट का ही नतीजा है कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं। उम्मीद और तवक्का ये कि इस मामले में भी सीईओ ऑफिस डोडा ने ऑलरेडी इस मामले का संज्ञान लिया है, इस मामले में ऑलरेडी वो इंक्वायरी कर रहे हैं, मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या है। अगर इस मामले में वाकई जो इल्जामात ये दुकानदार लगा रहा है कि स्कूल वक्त पर खुलता नहीं, वक्त पर बंद होता नहीं, बच्चों को जितने वक्त के लिए स्कूल में होना चाहिए था उतने वक्त के लिए बच्चे स्कूल में नहीं होते, आते 3 बजे तक हैं, निकलते स्कूल से 1 ही बजे हैं, अगर ये तमाम चीज़ें सच्चाई पर मबनी हैं तो टीचर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वैसे भी सीईओ डोडा को रेप्रिमांड करना चाहिए इस टीचर को कि आपको सड़क पर उतर कर किसी को धमकाने, डराने या अपनी दोस्त दिखाने की इजाज़त कतई भी नहीं है। और दूसरी एक और बात है, इस वीडियो के खत्म होते हुए आप ये भी देखेंगे कि महिला अपने आप को लेकर भी कुछ उनसे कह रही है कि मैं बाहर जाकर ये कहूंगी। आप महिला हैं, आपका सम्मान करना हर शख्स का फर्ज है, आपका सम्मान भी होना चाहिए। आप अध्यापक हैं तो आप और ज्यादा सम्माननीय हैं, लेकिन उसका कतई भी ये मतलब नहीं आप इन चीजों का गलत फायदा उठाएंगी। आप जिस वक्त दुकान के अंदर गई हैं, साफ तौर पर दिखता है कि आप मोबाइल छीनने की कोशिश कर रही हैं, साफ तौर पर दिखता है कि आप धमकी दे रही हैं, साफ तौर पर दिख रहा है कि आपके साथ जो पुरुष हैं वो भी नीचे आकर दुकानदार को मारने की कोशिश कर रहा है। ये सब चीजें साफ तौर पर दिख रही हैं। अब और क्या एविडेंस सीईओ डोडा को, जेडीओ डोडा को या डोडा के प्रशासन को इस मामले में चाहिए? आपको शालीनता के साथ
सभी लोग उसे बात करनी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नगर नहीं, अगर आपको लेकर कोई शिकायत किसी जगह हुई है, उस शिकायत को का निपटारा तभी होगा जब आप अपने आला अधिकारियों से बात करेंगी और उनके सामने अपनी सच्चाई रखेंगी।